गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सेटअप बॉक्स में पावर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वहां ऑन है, पावर नहीं आ रहा है। इसमें पावर सप्लाई से प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप इसको खोल लें, सारे स्क्रू को रिमूव कर लें, उसके बाद यहां से इसके लॉक को खोलें दोनों साइड से अच्छे से, ज्यादा फोर्स से नहीं टूटे नहीं। इसको निकाल लें, उसके बाद इसको बाहर तरफ ऐसे खींचें। जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा यहाँ जल चुका है, ठीक है, ये सब जल चुका है। इसको रिपेयर करने का कोशिश किया गया है, लेकिन ये रिपेयर हो नहीं पाया है क्योंकि असेंबली पार्ट्स जल गए हैं और असेंबली पार्ट्स अभी मिलना संभव है नहीं। तो आप क्या करें, इसमें जो नॉर्मल सेटअप बॉक्स होता है फ्री डीटीएच, उसका पावर सप्लाई कैसे इंस्टॉल करें, आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी सेटअप बॉक्स नहीं, मैंने मेरे पास पुराना था, पुराना सेटअप बॉक्स था, मैं इसी से पावर सप्लाई निकाल लिया हूँ। आप चाहो तो नया भी लगा सकते हैं, या पुराना आपके पास है आप उसी से काम चला सकते हैं। तो देखिए, इसमें 3.3 वोल्ट ग्राउंड, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट इतना रहता है, लेकिन हमको चाहिए 3.3 ग्राउंड और 12, मतलब आपको ये तीन तार लेने हैं, ठीक है, हो गए। ये दो तार लीजिए, एक ये तीन, ये ग्राउंड आप इसको भी ले सकते हैं, या फिर ग्राउंड आप इसको भी ले सकते हैं, यानी इधर से भी ग्राउंड और इधर से ग्राउंड। ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ये वाला ग्राउंड थोड़ा छोटा हो जाए इसको, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ग्राउंड के लिए मैं ये ले लेता हूँ, और 3.3 वोल्टेज के लिए सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है, और 12 वोल्ट के लिए ये वाला, सब लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, 3.3 वोल्ट ग्राउंड, 12 वोल्ट फिर ग्राउंड, फिर 5 वोल्ट, अच्छे से लिखा हुआ है। तो आपको वही लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सप्लाई देना है मेन जो आ रहा है वो, और जो सप्लाई आपको लेना है वो आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है मदरबोर्ड में। मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक तार के माध्यम से, दो तार के माध्यम से यहाँ आपको सप्लाई देना है, इस स्विच से होकर सप्लाई जानी चाहिए, ताकि इस स्विच से ऑन ऑफ भी हो सके, ठीक है। बहुत दोस्त क्या करते हैं कि इसकी अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इस टाइप के सेटअप बॉक्स का पार्ट्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो खराब हो जाने पर क्या होता है, अक्सर फेंकना पड़ता है, दूसरा खरीदना पड़ता है। तो आप इस तरह करके चला सकते हैं, मैंने कई सेटअप बॉक्स में ऐसा किया है और ये अच्छा से चलता है। अब देखिए, ये जो सप्लाई है आपको, आपको कहाँ पर देना है, एक तो आप डायरेक्ट पॉइंट दे दीजिए, और दूसरा जो स्विच होके यहाँ आ रहा है वहाँ दे दीजिए, ठीक है, मतलब सीधा सीधे आपको यहाँ और यहाँ देना है। इसको आप हटा सकते हैं, खराब वाले में का है, सब खराब हो चुका है, ठीक है। आपको सप्लाई यहीं पे देना है, ठीक है, यहाँ और यहाँ दो जगह, तो यही तार को जो यहाँ जुड़ा हुआ है आप यहाँ यहाँ दे दीजिए, यहाँ देने से क्या होगा आपका कि स्विच भी वर्क करता रहेगा। अब देखिए, अब सप्लाई आपने दे दिया, अब आपको क्या करना है, इसका कनेक्शन करना है। उसके बाद देखिए, नॉर्मल बोर्ड में क्या होता है, कैपेसिटर ऐसे ही होता है, खड़ा होता है, जो इसमें कम ही, पतले वाले सेटअप बॉक्स में बहुत कम स्पेस होता है, तो इसमें आपको बॉक्स को जब आप असेंबल करेगा तो दिक्कत होगा, ये थोड़ा सा ऊंचा रह जाएगा ऊपर वाला जो कवर होता है, इसलिए इसको निकाल के ऐसे लगा दीजिए मोड़ के, जैसे मैंने लगाया। तार छोटा पड़ता है तो आप तार से जोड़ के लगा सकते हैं, और बीच में एक इंसुलेटर लगा दीजिए ताकि करंट शॉर्ट होने का चांसेस ना रहे। अब देखिए, आपको एक ग्राउंड लेना है, दोनों में से कोई एक ग्राउंड ले सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो जहाँ पे आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो आप या तो उसके नीचे दे दीजिए, या आप वहां पे भी दे सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वहीं दे देता हूं ताकि आपको ज्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ग्राउंड जहां पे था
लिखा हुआ मैं वहां पे ग्राउंड दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ 13 वोल्ट, ठीक है, तो 13 वोल्ट के जगह पे इसमें से आपको 12 वोल्ट लेना है, ठीक है, 12 वोल्ट। अच्छे से जोड़ें ताकि कोई दूसरा शॉर्ट ना हो। 12 वोल्ट हो गया और ग्राउंड हो गया। अब देखिए आप 3.3 वोल्ट जो है उसको दे दीजिए कहाँ, जहाँ 5 वोल्ट का डिमांड है। देखिए यहाँ पे 3.3 या 5 वोल्ट कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बस आपका काम हो गया। एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, चेक कैसे चेक कर लेना है, और उसके बाद ये आपको कैसे आपको अच्छे से बैठाना है। देखिए सप्लाई ऑन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, देखिए ऑन है। अब कैसे इसको बैठाना है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अच्छे से हो जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वायर है, जो भी एक्स्ट्रा वायर आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, बेझिझक काट दीजिए। बाकी सारे फंक्शन प्रॉपर वर्क करेंगे, मात्र 3 तार आपका लगेगा, कोई झमेला नहीं है। आप इसके अगर ये नहीं लगा पाते आप, तो आप इसको फेंक देते हैं कबाड़ में, आप फेंक देते हैं, आपका ये यूज नहीं हो पाता। तो अब आपको क्या करना है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, ऐसे ही आपको लगा देना है। आप चाहें तो सब सामान, ये सब पार्ट्स, पावर सप्लाई में इसके जितने पार्ट्स उसको निकाल के फेंक भी सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप उतना छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ रेजिस्टेंस हटा दिया है तो ये सप्लाई इधर जा ही नहीं रही है। पुराना रेजिस्टेंस आप भी जरूर हटा के फेंक दें। अब देखिए कोई भी इंसुलेटर पेपर, ठीक है, आप इसको ऐसे रख दें, ठीक है, ऐसे रख दें, और उसके बाद आप इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दें। अभी आपको ऊपर और रखना है, मैं पहले इसको बैठा लेता हूं। जहां पे मेटल दिख रहा था आपको यहां लगा दी, क्योंकि यहां पावर सप्लाई का पॉइंट यहीं पे है और ये यहीं पे आ रहा है, इसलिए आप उसको ऐसे लगा दीजिए, हो गया। उसके ऊपर से आप एक ऐसे डाल दीजिए, आप चाहो तो 2 डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर प्लास्टिक का भी डाल सकते हैं, अब्रक भी डाल सकते हैं, और बेहतर हो जाएगा। तो बस हो गया, हो जाने के बाद आप इसको अच्छे से बैठा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियो मिलती रहे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।